The sum of two number is 1000. So let be the numbers is x and y. So x plus y is equal to 1000. And the difference between their square is 256,000. So x square minus y square is equal to 256,000. ओके सो हमारे पास इतनी इंफॉर्मेशंस दी गई हैं क्वेश्चंस में. अब हमें बताने हैं नंबर्स. सो नंबर्स जो हमने लेट किया है एक्स एंड वाई. ओके सो अभी हम क्या कर सकते हैं इसमें देखिए एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है और उसको हम अप्लाई करते हैं. सो एक्स माइनस वाई हम लिख सकते हैं और एक्स प्लस वाई और ये हो जाएगा आपका 256,000. अब यहाँ पे x प्लस वाई की वैल्यू गिवन है तो इसे हम पुट कर सकते हैं x प्लस वाई की जगह पे. सो यहाँ पे हमें मिल जाएगा x माइनस वाई एंड इन टू थाउजेंड एंड इक्वल टू 256,000. करेक्ट. अभी 1000 उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा और ये मिल जाएगा आपको 256 क्योंकि ये 0 से 000 कैंसिल. सो 256 मिल गया. सो दिस इज इक्वेशन सेकेंड और ये इक्वेशन फर्स्ट है सपोज. ओके सो अभी हम इनको एलिमिनेट करेंगे. ओके सो जब हम एलिमिनेट करेंगे सो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 1000 और इधर x माइनस वाई इक्वल टू 256. ओके इन्हें आप सब्ट्रैक्ट करिए. सो सब्ट्रैक्ट करने पे हमें क्या मिलेगा. सो हम सब्ट्रैक्ट कौन सा कर रहे हैं इसको आप ध्यान दीजिएगा. तो फर्स्ट माइनस सेकेंड हम कर रहे हैं. ओके तो सब्ट्रैक्ट फर्स्ट माइनस सेकेंड. ओके सो यहाँ पे x x कैंसिल आउट एंड प्लस y इज द 2y और ये सब्ट्रैक्ट होगा. सो 10 माइनस 6 इज द 4 एंड 9 माइनस 5 इज द 10 माइनस 6 इज द 4 एंड दिस इज द 9 एंड 9 माइनस 5 इज द 4. ओके एंड दिस इज द 9 एंड 9 माइनस 2 इज द 7. सो ये कैंसिल होगा 2 से. सो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 3 जा 6 2 7 जा 14 एंड 2 2 जा 4. सो दिस इज द y. हमारा सेकेंड नंबर तो निकल गया. अभी फर्स्ट नंबर हम देखते हैं क्या होगा. सो y अगर हमारा 372 है सो इसे हम किसी में भी पुट कर सकते हैं. सपोज करो कि मैंने इसे सेकेंड में पुट कर लिया. ओके सो x हो जाएगा यहां से x इक्वल टू 256 एंड ये y उधर गया तो प्लस y एंड 256 और y की वैल्यू हमने 372 निकाला है. 372 सो ये कितना होगा 62 कितना हो जाएगा 8 एंड 7 एंड 5 12 कैरी 1 एंड 3 2 5 1 6. सो x हो गया आपका 628 एंड y इज द 372.